वेलकम टू माय चैनल हाउस अरेस्ट कुकिंग। आज हम बनाएंगे इंस्टेंट मेदू वड़ा, वह भी एक स्पेशल इंग्रेडिएंट के साथ। यह रेसिपी मैंने बहुत ही ट्रायल और एरर से बनाई है। नो सोडा, नो बेकिंग सोडा, नो स्टिकी हैंड एंड वेरी लेस ऑयल, फिर भी टेस्ट में बेस्ट। तो चलिए शुरू करते हैं। इसके लिए हमें चाहिए उड़द की सफ़ेद दाल, फ्रेश कोकोनट, हरी मिर्च, करी पत्ता, हींग, जीरा, नमक और ये है हमारा सीक्रेट इंग्रेडिएंट पोहा। उड़द की दाल और पोहा दोनों को मैंने मिक्स किया और इसे अच्छे से वॉश कर लिया। 45 मिनट्स पहले ही मैंने इसे भिगोया था। आप इसे कम से कम 45 मिनट्स या फिर ज़्यादा से ज़्यादा एक घंटा तक भिगोएं। अब हम लेंगे एक बॉल, उसमें स्ट्रेनर रखेंगे और ये भिगी हुई दाल और पोहा डालेंगे और इसका एक्स्ट्रा पानी निकाल देंगे। अब हम लेंगे एक ग्राइंडिंग जार और उसमें डालेंगे ये दाल और कोशिश करें कि इसमें कम से कम पानी डालें। अब इसका ना तो हमें स्मूथ पेस्ट चाहिए ना ही दरदरा, इसका हम सेमी पेस्ट बनाएंगे। तो ये देखिए, मैंने इसे ग्राइंड कर लिया है और इसकी कंसिस्टेंसी भी आप देख सकते हैं, इस तरह का सेमी स्मूथ पेस्ट चाहिए हमें। और इसकी कंसिस्टेंसी भी आप देख सकते हैं, इससे ज़्यादा पतली कंसिस्टेंसी हमको नहीं चाहिए। अगर पतली हुई तो वड़े तेल पिएंगे और उसका शेप भी अच्छा नहीं आएगा। अब हम इसमें बाकी के इंग्रेडिएंट्स मिलाएंगे, हरी मिर्च, करी पत्ता, फ्रेश कोकोनट, जीरा और हींग, टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक। अब इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसे हमें ज़्यादा नहीं फेंटना है, सिर्फ मिक्स करना है। और एक ख़ास बात, और हाँ एक ख़ास बात, जब आप मेदू वड़ा फ्राई कर रहे तभी उसमें नमक मिलाएं। यदि आप उसमें पहले नमक मिलाएंगे तो ये बैटर पतला हो जाएगा, जिससे कि वड़ों का शेप अच्छा नहीं आएगा। तो चलिए अब हम इन्हें फ्राई करते हैं। तेल को हमने मीडियम फ्लेम पर गर्म करने के लिए रख दिया है। बहुत ही खास टिप है कि तेल हमें ना तो बहुत ज़्यादा गर्म चाहिए ना ही ठंडा चाहिए। तो हम सबसे पहले तेल को चेक कर लेते हैं, इस तरह का तेल गर्म चाहिए हमें, डालते ही ऊपर आ जाए। वड़ों को शेप देना मैं आपको दो तरह से दिखाऊंगी। सबसे पहले हम हाथ को पानी लगाएंगे और ये बैटर उठाएंगे। अब छोटे बड़े जैसे भी आपको पसंद है उस हिसाब से आप बना सकते हैं और अंगूठे से इसके बीच में छेद करेंगे और इसे तेल में छोड़ देंगे। अब हम दूसरे तरीके से वड़े बनाएंगे। उसके लिए मैंने एक चम्मच लिया है, उसे उल्टा कर लिया है और अब इसके ऊपर पानी लगाएंगे और बैटर उठाएंगे और इसके ऊपर रखेंगे और फिंगर को भी पानी लगाएंगे और इसके बीच में होल करेंगे। गैस की फ्लेम को मीडियम ही रखना है। हल्का गोल्डन कलर आने के बाद हम इन्हें पलट लेंगे। ये देखिए इसमें लाइट कलर आ गया है, अब हम इसे पलट लेंगे। ये देखिए इसका गोल्डन कलर आ गया है। इस एक बेज को फ्राई करने में मुझे 7 मिनट लगे हैं। अब हम इन्हें एक प्लेट में निकाल देंगे। ये वड़ा कितना क्रंची बना है ये देखिए, और कितना सॉफ्ट है ये मैं तोड़कर बताऊंगी आपको। और ये देखिए बिल्कुल लेस ऑयल है। तो लीजिए तैयार है हमारे सुपर सॉफ्ट और क्रिस्पी वड़े। इसको आप गर्मा गर्म सांभर और चटनी के साथ एंजॉय कीजिए। चटनी और सांभर की रेसिपी पहले ही हमारे चैनल पर अपलोड है, उसकी लिंक मैं दे रही हूँ, आप देख सकते हैं। मैंने जो टेक्निक बताई है यदि आप उसे फॉलो करेंगे
तो आपकी रेसिपी बिल्कुल मेरे जैसी ही बनेगी। इस बारिश के मौसम में आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए और मुझे कमेंट करके बताइए कि आपकी रेसिपी कैसी बनी। यदि आपको हमारी रेसिपी पसंद आती है तो उसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।